पब्लिक टीवी आपकी आवाज। फिल्म अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा अपने बयान से एक और मुश्किल में पड़ गई हैं, जिसके बाद मुरादाबाद के इवेंट मैनेजर ने सोनाक्षी सिन्हा के खिलाफ बयान को लेकर मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दायर मुकदमे पर सुनवाई के बाद इसे स्वीकार भी कर लिया। मुकदमे की अगली सुनवाई 4 अप्रैल को ECJM कोर्ट 5 में की जाएगी। दरअसल कटघर थाना इलाके के शिवपुरी के रहने वाले प्रमोद शर्मा इवेंट मैनेजर हैं, जो कि कार्यक्रमों का आयोजन कराते हैं, जिसमें फिल्म हस्तियों को बुलाया जाता है। प्रमोद शर्मा ने 30 सितंबर 2018 को होने वाले एक कार्यक्रम के लिए सोनाक्षी सिन्हा से भी अनुबंध किया था। ये कार्यक्रम दिल्ली में होना था, लेकिन अंत समय में सोनाक्षी सिन्हा और उनके सलाहकार ने आने से मना कर दिया, जबकि इन्होंने पूरी फीस प्रमोद शर्मा से ले ली थी। इसके बाद प्रमोद शर्मा ने अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा समेत 5 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी कटघर थाने में 22 फरवरी 2019 को मुकदमा दर्ज करा लिया था। मुकदमे में सोनाक्षी सिन्हा और उनके सलाहकार अभिषेक सिन्हा के खिलाफ मुकदमे में हाजिर न होने के चलते जमानती वारंट जारी किए गए थे। इसके बाद सोनाक्षी सिन्हा ने मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रमोद शर्मा के लिए अपशब्द कहे थे, जो कि अखबारों में भी छपे। अब बयान के आधार पर इवेंट मैनेजर प्रमोद शर्मा ने अपने अधिवक्ता PK गोस्वामी और आशुतोष त्यागी की ओर से CJM कोर्ट में मुकदमा दायर किया है। आज मैंने सोनाक्षी सिन्हा के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज करवाया है, क्योंकि अभी आपने सुना होगा कि मैंने जो वारंट कोर्ट ने जो वारंट इशू किए थे, उन्होंने मेरे बारे में बहुत गलत टिप्पणियाँ कही थी, जैसे कि दुष्ट आदमी मेरे क्या है वो कर रहा है, तो अपनी प्राइवेसी चाहने के लिए मुझे वो करना चाह रहा है, उल्टी सीधी अफवाहें उड़ानी शुरू कर दी थी उन्होंने। और दुष्ट आदमी कहकर मुझे संबोधित किया था, जैसे कि हर मार्केट में मुझे लोग सब दुष्ट आदमी कहने लगे, तो मैं तो दुष्ट आदमी कहा जा रहा हूँ। बहुत बेइज्जती करी इन्होंने मेरी। फिर आज फिर मैंने कोर्ट में जाके मानहानि के केस के आने के ऊपर मुकदमा दर्ज हो गया जी। ये अब 4 तारीख लगी है, 4 अप्रैल की। अब ये मेरा इवेंट का मामला था, 2018 में शो होना था, जिसमें सोनाक्षी और टीम ने और सोनाक्षी सबको पेमेंट चला गया था, और फ्लाइट की 2-2 बार टिकट भी चेंज हो गई थी, करवाई थी उन्होंने, और एंड टाइम पे मना कर दिया कि मैं नहीं आ रही। उसके बाद फिर मैंने FIR करवाई, FIR के बाद चार्जशीट भी लगी उनके खिलाफ, फिर कोर्ट में केस भी चला, कोर्ट में वो आई नहीं, उनके संबंध भी जारी हुए कई बार भेजे, लेकिन कोर्ट में हाजिर नहीं हुई। तो फिर अभी जो 5 मार्च को कोर्ट ने उनके खिलाफ वारंट इशू कर दिए, अब ये 25 अप्रैल पड़ी है उसकी। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।